सुन साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए एक सुंदर जीवन की रचना कर रहे हैं। ये भरोसा हमेशा रहना चाहिए कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में भरपूर आशीर्वाद और शांति लाएंगे। पिछली बातों गलतियों को जाने दो, उनसे सीख के सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए सही कदम उठाओ। भला करते जाओ, तुम्हारा जीवन कई आशीर्वाद से भरपूर होगा। दो पल रुक के विराम लो, ये याद करो कि जब भी तुमने सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ा है, ईश्वर ने तुम्हें कभी शिकायत करने का मौका नहीं दिया है। मैं तुम्हें सिर्फ सर्वश्रेष्ठ के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे हर प्रयास में शामिल हूं मैं, तुम्हारा हाथ थामा हुआ है मैंने। निराश मत हो, किसी पे भी क्रोध ना रखो। दूसरों की गलतियों या कमी की चर्चा ना करते रहो। अच्छे और भले लोगों पे ध्यान दो, उन्हें क्या श्रेष्ठ बनाता है उन गुणों की चर्चा करो। जो भी तुम्हें हमेशा कष्ट देता हो, ऐसे व्यक्ति से दूरी रखो। उन्हें समझाने या बदलने की कोशिश व्यर्थ है, उन्हें अपने बाबा के हवाले कर दो। खुद को समझो और खुद को मजबूत बनाओ। अपने बाबा का नाम लेना, तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। खुद को भी परमात्मा के हवाले करके देखो, वो तुम्हें एक सुंदर जीवन देंगे। यकीन रखो, तुम समृद्ध हो। अपने साईं के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है। जय साईं राम।